हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। साथियों, इस वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं विटामिन ई फूड सप्लीमेंट्स के अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप अपनी स्किन में एक चमक लाना चाहते हैं और बेहतरीन स्किन पाना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो में दी हुई जानकारी आपको बहुत मदद करेगी। क्यों अमेजिंग है दोस्तों? इसके जो स्किन रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, उसके साथ साथ विटामिन ई एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के लिए भी जाना जाता है, यानी समय से पहले आपकी स्किन की एज को नहीं बढ़ने देता है। दूसरा, विटामिन ई एक की विटामिन है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट नेचर भी इसमें होता है। और आपकी हेल्दी स्किन के साथ साथ आपकी आंखों के अच्छे हेल्थ के लिए भी विटामिन ई बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। क्या हमें रियली इसकी जरूरत है? विटामिन ई की डिफिशियंसी विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम को पैदा करता है, मसल्स की वीकनेस के लिए भी जिम्मेदार है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अच्छी हेल्थ के लिए ये जरूरी है। और अगर आपकी इम्यूनिटी यानी कि सीजन चेंज होने पर आपको आपको वायरल कोल्ड कफ ये हो रहा है, यानी कि इम्यूनिटी आपकी वीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण ये आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट देगा। आइए बात करते हैं स्किन से रिलेटेड, कैसे ये आपकी स्किन को बेहतरीन बनाता है। विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग नेचर देता है स्किन को। ये आपके चेहरे पर जो भी स्कार्स यानी जो छोटे छोटे दाग पड़े होते हैं पिंपल्स के, उनको भी मिनिमाइज करता है, प्रिवेंट करता है फाइन लाइंस और रिंकल्स को। एंटी ऑक्सीडेंट नेचर होने के कारण ये फ्री रेडिकल से के डैमेज से भी आपकी स्किन को बचाता है, यानी कि अगर सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेस से जो भी आपकी स्किन को नुकसान हो रहा है उससे भी आपकी त्वचा को बचाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी नेचर होने के कारण विटामिन ई चेहरे की स्वेलिंग को, पफनेस को भी कम करता है दोस्तों। दूसरा, फ्री रेडिकल्स। दोस्तों क्या है फ्री रेडिकल्स? जो पॉल्यूशन से, स्मोकिंग से, पेस्टिसाइड से या फिर आपके शरीर के अंदर से भी पैदा होते हैं, तो इन फ्री रेडिकल्स के दुष्प्रभाव को ये कम करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट नेचर है। और ये आप देख सकते हैं बॉडी की हेल्दी सेल से जो फ्री रेडिकल है वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है, फ्री रेडिकल से जो इलेक्ट्रॉन लेकर के ये इसको अस्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट नेचर विटामिन ई या विटामिन सी में जो होता है उसके कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल इसको दे देता है, फ्री रेडिकल को दे देता है, जिससे कि आपकी त्वचा स्किन स्वस्थ रहती है। विटामिन ई दोस्तों साथ ही साथ में स्किन की इलास्टिसिटी और स्मूथ अपीयरेंस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप देख सकते हैं अगर फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से स्किन पे जो भी डैमेज होता है उसको भी ये कम करता है। और क्या फायदे हैं और अमेजिंग फायदों के बारे में दोस्तों? जो मैकुलर डिजेनरेशन, आई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें भी मदद करता है, और ये आपकी स्किन को, जैसे हमने बताया है, ग्लोइंग और इलास्टिक बनाने में मदद करता है। ये मसल्स के लिए बहुत अच्छा विटामिन ई हेल्प करता है और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी ये काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट नेचर होने के कारण ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और आपके नर्वस सिस्टम के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए भी जिम्मेदार है दोस्तों। नेचुरल सोर्सेस से भी आप ले सकते हैं। अगर आपके खाने पीने में पर्याप्त विटामिन ई है तो आपको फूड सप्लीमेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पंपकिन हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, ब्रोकली हो गया, और आपका नट्स जो भी आप ले रहे हैं, कुकुम्बर है, एग है, लीफी वेजिटेबल्स के थ्रू भी आप विटामिन ई पा सकते हैं दोस्तों। कितना लेना है? एक टैबलेट में 15 से 20 मिलीग्राम आपको पर डे चाहिए होता है रिकमेंडेड विटामिन ई, और एक टैबलेट में 20 मिलीग्राम एग्जैक्टली कंटेन करता है दोस्तों ये विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई को आयरन के साथ नहीं लेना है, ये विटामिन सी के साथ आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विटामिन ई फैट सॉल्युबल होने के कारण बॉडी में डिजॉल्व, फैट के थ्रू डिजॉल्व होता है और बॉडी में स्टोर हो जाता है, यानी कि इसकी एक बार आप अगर आपने पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई ले लिया है तो फिर आपको इतनी जल्दी कमी नहीं होगी। जैसे विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होने के कारण आपके शरीर से आसानी से निकल जाता है और उसको आपको रेगुलर लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसको डिफिशियंसी नहीं है विटामिन ई की उसको लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने एक बार विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में उसका कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो वो बॉडी में स्टोर रहता है, जब बॉडी को जरूरत होगी तब वो ले लेता है। विटामिन ई अभी न्यूट्रिलाइट का विटामिन ई इंडिया में अवेलेबल नहीं है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, और भी हम वीडियो आपके लिए अच्छे अच्छे बेहतरीन लेके आएंगे. थैंक यू, बाय बाय.